आज के इस पर हम बात करने वाले हैं बेस्ट स्टूडेंट लोन ऐप के बारे में कि कौन कौन से ऐप है जो बिल्कुल बेस्ट है और बिल्कुल अभी काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है, उसी के बारे में आज के इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। जितना भी ऐप यहाँ पे मैंने लिखे हैं देख सकते हैं, लोन ऐप बिल्कुल बेस्ट ऐप है। ये आपको RBI से रजिस्टर है, कोई आपको फ्रॉड नहीं होगा। ऐसे जितने भी ऐप प्ले स्टोर पर जाएगा तो काफी सारे आपको फ्रॉड ऐप मिल जाते हैं, वहाँ आपको फ्रॉड होने का चांस ज्यादा होता है। लेकिन जितने भी यहाँ पे मैंने ऐप लिखे हैं बिल्कुल RBI से रजिस्टर है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसका फुल डिटेल यानी फुल एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, काफी नॉलेजफुल वीडियो होने वाला है। यहाँ पर मैं डिस्कस क्या क्या करने वाला हूँ, मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना आपको लोन मिल सकता है, कब आपको मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो भी डिस्कस करने वाले हैं, जो प्रोसेसिंग फी होता है ऐप का वो कितना आपको लगने वाला है, हर ऐप का अलग अलग मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक ना। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, लेकिन अगर आप एंड तक देखते हैं काफी नॉलेजफुल एक वीडियो होने वाला है, ठीक। तो एंड तक देखिएगा, जितने भी देख सकते हैं मिनिमम एज क्या है, रिक्वायरमेंट में देखते हैं टोटल डाउनलोड कितना है, रेटिंग क्या है, सारा चीज मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। RBI से रजिस्टर ऐप है, कोई दिक्कत नहीं है। जो RBI से रजिस्टर नहीं होता है क्या प्रॉब्लम होता है वो ऐप में, वो भी मैं डिस्कस कर आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, काफी नॉलेजफुल वीडियो होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के हुए वीडियो करते हैं शुरू। कि जो लोन ऐप है जितना मैं यहाँ पे लिखा हूँ 9-10 देख सकते हैं, तो मिनिमम यहाँ पे जो लोन है कितना आपको मिलेगा, और अप्लाई करने जाते हैं लेने जाते हैं तो कितना आपको मिल सकता है। जैसे कि देख सकते हैं मैं लिख दिया हूँ पूरा यहाँ पे, जैसे कि बजाज फाइनेंस है, इससे अगर लेते हैं देख सकते हैं मिनिमम यानी मैक्सिमम जो लोन है कितना आपको मिलेगा, 40 लाख तक मिल सकता है। देख सकते हैं 20 लाख हो गया, 5 लाख हो गया, 15 लाख हो गया, 10 लाख हो गया, देख सकते हैं 5 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 45 हजार, 9, 9 में नहीं। ये जो धनी ऐप है, धनी जो ऐप है मैं लिख दिया हूँ इसलिए क्योंकि पहले लोन देता था लेकिन अब यहाँ पर आपको नहीं देता है। जाइएगा काफी आपको घुमाए फिराएगा लेकिन नहीं देगा, ठीक। तो ये अब नहीं आपको देता है। एक देख सकते हैं ट्रांस बैलेंस है, तो इसमें आपको 1 लाख सबसे कम मिलता है। तो जितना है मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, देख सकते हैं बजाज पे हो गया, निधि पे हो गया, देख सकते हैं पेशेंस पे हो गया, देखते हैं बड़ी लोन पे कितना आपको मिलता है, 15 लाख हो गया, मनी व्यूज पे हो गया कितना आपको मिल रहा है, 10 लाख देख सकते हैं, लेज पे हो गया कितना, 5 लाख। तो इतना आपको मिलेगा, इतना इतना। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आप बात करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आपको इंटरेस्ट लेगा। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे आप क्या लिखा था कितना आपको यहाँ पे देगा लोन अगर आप लेते हैं, तो लिखा था देख सकते हैं 40 लाख, 40-20 हजार कुछ इस तरह से, बजाज फाइनेंस का इतना था, मनी व्यूज का इतना था, टोटल टोटल मैं आपको लिख के दिखाया था। अब यहाँ पर बात करते हैं इंटरेस्ट कितना आपको देना होगा, सभी का अलग अलग है। जैसे कि देख सकते हैं 1100 हो गया, 37% हो गया, 9.9 से 45% हो गया, 36% हो गया, देख सकते हैं सभी का अलग अलग है। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ स्क्रीनशॉट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं सबका अलग अलग है। जैसे देखते हैं कैश का हो गया इतना, होम क्रेडिट का हो गया, मनी व्यूज का हो गया, लेज पे का हो गया, देखते हैं क्रेडिट बीट का हो गया 15% से 29 पॉइंट इतना इतना, देख सकते हैं मैं आपको लगा दिया हूँ, आप ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए, ठीक। अगले स्टेप की अगर यहाँ पे बात करें आप, तो यहाँ पे बात करते हैं प्रोसेसिंग फी यानी प्रोसेसिंग फी। इधर लोन हो गया, ऐप का नाम हो गया, प्रोसेसिंग फी जैसे कि देख सकते हैं तो निविया का हो गया 0, ये बिल्कुल 0 है, प्रोसेसिंग फी आपको नहीं लेता है। टर्न बैलेंस का हो गया देखते हैं 0 से हो गया, 15% तक हो गया, 2% हो गया, 2% से 8% हो गया, देखते हैं टोटल का यहाँ पे मैं लिख दिया कितने कितने का कितना मिला, अप टू हो गया 6 पॉइंट इतना के, 8B का हो गया, देख सकते हैं मैं आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अगर ऐप है मैं अलग अलग आपको डाटा यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए बिल्कुल इसी तरीका से, ठीक। अगले यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है कितना होना चाहिए, एम पॉकेट का देखते हैं 18+ होना चाहिए, 18 से 65 हो गया, 19 से 68 हो गया, 21 से 65 हो गया, 21 हो गया, 21 हो गया, देखते हैं 21 से 60 हो गया, मैं लिख दिया हूँ पूरा डिटेल में। अगर स्टेप बाय स्टेप ज़्यादा बताने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो ध्यान से यहाँ पे देखिए मैं आपको लिख दिया हूँ, ठीक। अगले अगर स्टेप की यहाँ पे बात करें, यहाँ पे बात करें देखते हैं प्ले स्टोर पे अगर रेटिंग कितना रेटिंग है, क्योंकि रेटिंग पे ही सब लोग जाते हैं कि हाँ अगर 4 का रेटिंग है तो काफी अच्छा होगा, 6 का रेटिंग है तो काफी अच्छा होगा, तो इस तरीका से। तो यहाँ पे बात करने अगर रेटिंग की देख सकते हैं 4.7 का है, 4.6 का है, 4.5 का है, 4.4 का है, 4.4 का है,
सबसे नीचे में रखते हैं 3.7 का है, पे का रख सकते हैं, निविया का हो गया, रखते हैं बजाज का हो गया 4.6, तो 4.7 हो गया मनी व्यूज, तो इसका ज़्यादा है तो काफ़ी अच्छा ऐप होगा, काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट भी है, तो टोटल मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, आप डिस्कस कर लीजिएगा। चलिए अगला स्टेप की अगर हम पे बात करें तो डाउनलोड, कितना प्ले स्टोर पर डाउनलोड होगा, तो डाउनलोड रख सकते हैं 5, डाउनलोड रख सकते हैं 5 करोड़ है, बजाज का भी 5 करोड़ है, देख सकते हैं बैलेंस का भी 5 करोड़, निविया का भी 1 करोड़ है, तो टोटल कहाँ पर मैं लगा दिया, देख सकते हैं मनी व्यू का भी 1 करोड़, तो देख सकते हैं अपने अनुसार मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ। लास्ट यहाँ पे है जो देख सकते हैं मैक्सिमम लोन टर्म, मैंने कितने तक आपको मिलेगा, कितने मंथ तक मिलेगा, कितने साल तक मिलेगा, उसका यहाँ पर देख सकते हैं बजाज का हो गया 6 मंथ से 8 ईयर तक, निविया का हो गया देख सकते हैं 3 मंथ से 6 मंथ हो गया, 5 ईयर्स हो गया, 3 मंथ से 5 ईयर्स, 3 मंथ से 5 ईयर्स, 3 से 48 महीना, महीना में भी है देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं कर दिया हूँ होम क्रेडिट कार्ड का 36 महीना, देख सकते हैं 4 मंथ हो गया, 1 महीना, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप करके समझा दिया हूँ। अब आपको समझ में आ गया होगा कितना ऐप में कितना इंटरेस्ट है, कितना आपको प्रोसेसिंग फी देना है, कितना आपको मिल रहा है, कितना एज रिक्वायरमेंट है, सारा चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता दिया हूँ, अब कोई भी दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करिए या कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ऐप से लेना चाहिए या बैंक से लेना चाहिए, तो मेरा यहाँ पर जो मानना है कि बैंक से लीजिए काफ़ी अच्छा रहेगा, उसमें इंटरेस्ट रेट सारा चीज़ आपको कम मिलेगा, इस पर आपको काफ़ी ज़्यादा रहता है, आपका मन कहाँ से आप लेना चाहते हैं, ठीक, तो पूरा डिस्कस कर मैं आपको बता दिया हूँ। वीडियो में कोई भी दिक्कत हो, मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम में फॉलो करके वहाँ मैसेज करिएगा, मैं आपका हेल्प करने की कोशिश जरूर करूँगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।